इस हुकूमत के पास जो मौजूदा नाअहली है, जो बहुत सारे सियासतदानों पे है, उसको खत्म करने का भी कोई हथियार है या नहीं सर? बिल्कुल है, और वो कानून साजी के जरिए एक डेढ़ सफे के कानून से ये मेजॉरिटी कौमी असेंबली में इस तरह के जो अदालती फैसले हैं जो कि आईन से मुताबकत नहीं रखते उनको खत्म किया जा सकता है। तमाम नाअहलियां जो है ये विद इन 2 to 3 days खत्म हो सकती है आराम से, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तरीका कार ये है कि वो जो कानून साजी आप करेंगे, कानून साजी जब होती है तो उसमें सबसे पहले उस कानून का प्रीएम्बल होता है, दिबाचा जी, जिसको कि हम कहते हैं कि बैकग्राउंड बताई जाती है कि ये कानून ला क्यों रहे हैं, उसको प्रीएम्बल कहते हैं। आप प्रीएम्बल में बकायदा वजह बताएंगे, कुछ फैसले आए थे अदालतों के जिनमें के आईन से मुतसादम वो फैसले थे और वो आईन की रूह के मुताबिक नहीं थे, लिहाजा इस कानून को बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के आईन को हम लेटर ऑफ स्पिरिट में फॉलो करें, और इसलिए हम एक नया ये कानून जो है ला रहे हैं। उसके बाद उस कानून के आप सारी शिकें जो है उसमें लिखते हैं। पहली शिक होती है कि इस कानून का इतलाक कब से होगा, दूसरी शिक होती है इसका इतलाक जो है सारे मुल्क सारे पाकिस्तान में होगा, तीसरी शिक में आप वो लिखेंगे कि वो क्या फैसले हैं जो कि वो आईन के मुताबिक नहीं थे, लिहाजा वो अब फैसले जो हैं वो नल एंड वॉइड करार दे दिए जाते हैं, उसको बकायदा पूरी शिक में लिख के नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, और इसलिए करार दे दिया जाएगा क्योंकि दिबाचे में लिख दिया जाएगा कि वजह बता दी जाएगी कि ये क्यों आईन से मुतसादम है, और वो उसको फौरी तौर पर नाफजल अमल कर दिया जाता है। तो ये तरीका होता है एक गलत फैसले को जो कि आईन की रूह के मुताबिक ना हो, जो आईन के लेटर के मुताबिक ना हो, उसको ख़त्म करने का। और ये कोई अजीबोगरीब बात नहीं है ये, और यहाँ जहाँ पे टकराव हो जाए अदालती अहकाम का लेजिस्लेचर की जजमेंट से या लेजिस्लेचर के कानून से, तो वहाँ पे ये समझा जाता है कि इस वक्त मुकाबला जो है ज्यूरिसप्रूडेंस का हो गया है लेजिस्प्रूडेंस से। तो जहाँ लेजिस्प्रूडेंस और ज्यूरिसप्रूडेंस का टकराव हो जाता है, अगर आपके कानून में जो आप बनाते हैं अदालत के अदालत ने एक 800 सफ़े का फैसला लिख दिया जिसका कि सर पाँव किसी को पता ही नहीं चल रहा, और पार्लीमान ने 2 सफ़ों में हर चीज की साफ तौर पर वजाहत कर दी, तो फिर अवाम कह सकेंगे कि बिल्कुल, और पढ़े लिखे लोग इंटेलेक्चुअल्स कह सकेंगे बिल्कुल प्रूडेंस जो है वो लेजिस्प्रूडेंस जो है वो भारी है यहाँ की इनकी ज्यूरिसप्रूडेंस से। तो अगर वो आप उस तरह का ड्राफ्ट निकालते हैं बनाते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और करना चाहिए। YouTube पर गूगली टीवी देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में गूगली टीवी टाइप करें। गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।